एचआर जी के भाई बी के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भैया ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? सब ठीक ठाक हो गए साथियों? काफ़ी दिन हो गए वीडियो डालने, थोड़ा ऑनलाइन का वो स्टूडियो वगैरह तैयार करवाया है आप लोगों के लिए करवाया है, और उसमें अपने फायदा हो जाएगा, लाइव भी क्लास चल पाऊंगी और रिकॉर्डिंग क्लास भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाया करेंगी। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से क्लास नहीं डाल पाए। पीछे एक रीजनिंग की मैडम ने क्लास डाली थी, वर्ल्ड रिलेशन कंप्लीट हो गया है। तो साथियों कहने का मतलब मेरा यो है, मैडम ने अपना प्रयास दिया, किसी का समझ में आया किसी का नहीं आया, कमेंट आए थे सर आप करा दे। देखो रीजनिंग मेरा विषय नहीं है, मैं केवल वही कराता हूँ जो अपना विषय हरियाणा जी के है। नेशनल जीके के जो है आप एक दो टॉपिक और करवा देंगे, मान ले दिल्ली पुलिस का दो पेपर, उस खातर नेशनल जीके भी करवा देंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, जीके करा देंगे आप। लेकिन ये रीजनिंग भाई, ये मैडम है जो सर आप और कितने यूट्यूब चैनल पर देख लियो, लेकिन मैडम ऑफलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाव है और प्रयास आड़े भी करे है, कैमरे पर थोड़ी ही घबराहट हो जाए, लेकिन बेहतरीन वीडियो बनाओगे आगे कोशिश करांगे। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो हमारी हिंदी की मैडम है डॉक्टर संजू सांगवान जी, मैं गारंटी देता हूँ आपके SSC में हिंदी के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बहुत जल्द मैडम वीडियो लेकर आ रही हैं। तो आज अपना जो जिले बच रहे थे बड़का के कमेंट आवे थे, 3 जिले पूरे करा दो, 19 जिले पहले लिस्ट बना रखी है, जाकर देख लियो। गुड़गांव, दादरी और भैंड ये जिले बच रहे, हाथ बढ़ाएंगे गुरुग्राम। गुरुग्राम भाई सबसे पहला तो यो किस दिशा में है हरियाणा के, दिशा पूछ ले हैं कई बार, दिशा पूछा तो दक्षिण का जिला है हरियाणा का, दक्षिण भाग में। ठीक है, गुरुग्राम दिशा पूछा तो दक्षिण भाग में है। और उसके बाद सब ने बेरा है, ये आसान आसान बातें हैं, लेकिन इसे इसे बड़का के भी कॉमेंटर हो नाम है सर जिला करवा दो, लेकिन ये चीज़ आसान है, लेकिन जिन्हें ना पढ़ रखे उनका तर मुश्किल है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 स्थापना हुई थी जिले की, 1 नवंबर 1966 को जिला बना था गुरुग्राम। ठीक है, 1 नवंबर 1966 ने यह जिला बना था। ठीक है, और गठन के समय 7 जिले थे, आपने सब ने बेरा होगा। ये भी पूछा है कि 1 नवंबर 1966 को इसका क्षेत्रफल पूछा जा तो 6,086 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। 1966 में यदि गुरुग्राम का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 6,086 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, वर्तमान में 1,253 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को क्षेत्रफल पूछा जाए तो 6,086 वर्ग किलोमीटर था, वर्तमान में क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,253 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, उसके बाद पूछा इसकी तहसील, तहसील पूछा तो मानेसर, सोहना, पटौदी, फरूख नगर। ठीक है, तहसील मानेसर, सोहना, पटौदी, फरूखनगर के हैं तहसील। ओके रिपोर्ट, वर्तमान क्षेत्रफल 1,253 वर्ग किलोमीटर, तहसील मानेसर, सोहना, पटौदी और फरूखनगर। ठीक है, उसके बाद पूछा जनसंख्या, इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 15,14,132। ठीक है, कई बार जनसंख्या के हिसाब से क्रम वाइज सेट करने आ जाए जिले, तो उस हिसाब से पूछा जाए तो देखो 15,14,132 इसकी के है कुल जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए तो किसकी, अपने हरियाणा में फरीदाबाद की है। किसकी है? फरीदाबाद की। ठीक है साथियों, उसके बाद है लिंगा अनुपात,
854। इसका लिंगानुपात गुरुग्राम का पूछा जाए तो कितना है, 854 है। ठीक है भाइयों, उसके बाद है साक्षरता। वैर यह बहुत बार पूछी गई है, 4-5 पेपर में पूछी गई है। साक्षरता है 84.4। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष पूछे जाए तो रेवाड़ी में है और महिला पूछी जाए तो गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कड़े हैं गुरुग्राम में है। ठीक है साथियों, उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है इसका, तो 1204। किसी किताब में 3 भी मिल जाएगा, 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर गुड़गांव का के है जनसंख्या घनत्व। ठीक है साथियों, अब तक के पढ़े दक्षिण भाग में है। स्थापना 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को क्षेत्रफल कितना था, 6086 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में 1253। ठीक है, तहसील मानेसर, फरुखनगर, सोहना, ठीक है, और पटौदी। और उसके बाद पूछेगा लिंगानुपात, तो आप 854 लिंगानुपात। जनसंख्या 1514132 है। ठीक है, साक्षरता बहुत बार पेपर में पूछी है। फॉरेस्टर की जो लिस्ट लागी 2017 में पेपर आया था उसमें यह पूछी गई थी। 84.4% साक्षरता दर गुरुग्राम की है। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला भी खड़े हैं गुरुग्राम में, पुरुष पूछे तो रेवाड़ी में। जनसंख्या घनत्व 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो फरीदाबाद का है 2442, और सबसे कम पूछा जाए तो सिरसा का है 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ांगे, एक बर्फ कर लिया है इसने। तो साथियों अपने तैयारी कर दे रहे हो, पेपर कब होगा ना होगा वो आपका विषय को नहीं, वो सरकार का देखो कद कराओ, सरकार की मर्जी है उसमें, आपकी चालन है मेरी चालन है। लेकिन आप आता नू कहाँ भाई, अपनी तैयारी कर लियो। दिल्ली पुलिस के फार्म निकल रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जीके 50 नंबर की आओगी और उसमें हरियाणा जीके नहीं आओगे, काजा नंबर की पूछो तो पूछ लेना, टाल भी है। नेशनल जीके पूछी जाओगी तो नेशनल जीके की तैयारी करो, अपना मन लगा के पढ़ो। जो भर्ती सबसे नज़दीक हो उसकी तैयारी करो पहले। हरियाणा जीके तो हम फिर भी करा देंगे, ठीक है यो, तो पीटीआई वालों के लिए डाल रहे हैं और उन खातर या चीज़ ज़रूरी भी। उसके बाद अब कर्मवाय तरीका था पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे फरुखनगर। फरुखनगर इसको किसने बसाया था, इसको बसाने वाला कौन था फरुखनगर को, तो बिलोच शासक। बिलोच शासक दलेल खां। फरुखनगर को बिलोच शासक दलेल खां द्वारा बसाया गया था, फरुखसियर के नाम पर बसाया गया था। किसके नाम पर बसाया गया, फरुखसियर। फरुखसियर का नाम पर बसाया था बिलोच शासक दलेल खान। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, फरुखनगर में रेलवे लाइन, रेलवे लाइन किस उद्देश्य के लिए बिछाई गई थी, तो नमक ढोने के लिए इसका उत्तर आया है। नमक ढोने के लिए फरुखनगर में रेलवे लाइन किस उद्देश्य के लिए बिछाई गई थी, नमक ढोने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ठीक है, और फरुखनगर में है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी विहार है जिसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। सुल्तानपुर में पक्षी विहार है जिसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जा है। साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और जो ये साइबेरियन पक्षी है मूलतः अफगानिस्तान के हैं, और शीतकालीन पक्षी भी, साइबेरियन सार्स जो है शीतकालीन पक्षी है। ओके, रिपोर्ट है। ठीक है,
फरूक नगर में बसा किसने बिलो शासक दलेल खान है। फरूक शेर के नाम पर रेलवे लाइन नमक ढोने के लिए बिछाई गई। सुल्तानपुर में पक्षी विहार है और साइबेरियन सार्च के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, उसके बाद मानेसर, मानेसर जो है उद्योग है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है मानेसर में। ठीक है, मारुति उद्योग भी मानेसर में है अब तो। लेकिन एक बात और है मानेसर की, मानेसर पुलिस जिला है, पुलिस जिला। प्रश्न पूछा जा है हरियाणा में केवल पुलिस जिले कितने हैं। हरियाणा में केवल पुलिस जिले, तो साथियों उनका उत्तर होगा दो, एक तो हांसी है और दूसरा आपका ये है मानेसर। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान या मस्तिष्क अनुसंधान भी कड़े है, मस्तिष्क का कड़े है वो मानेसर में है, कड़े है वो मानेसर में। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है सोहना, तहसील है सोहना। गर्म पानी के चश्मे या झरनों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के चश्मे कड़े हैं सोहना में है और राजा सोहन सिंह। राजा सोहन सिंह द्वारा बसा गया था। गर्म पानी के चश्मे कड़े हैं सोहना में है, राजा सोहन सिंह द्वारा सोहना को बसा गया था और इसका उपनाम है शिवनगरी। यदि सोहना का उपनाम पूछा जाए तो शिवनगरी। कई बार पेपर में पूछ रहे हैं जो सोहना है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला पे है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। हरियाणा में दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, एक तो शिवालिक है और दूसरी अरावली है, और यो जो सोहना है ये अरावली में है, अरावली के दक्षिण भाग में है। दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में जो है वह डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, जो महेंद्रगढ़ में है। बार बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा हुआ है। ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट। अरे ओके रिपोर्ट बोल दो, कई दिन हो गए जमा जोश सा खत्म हो रहा है। अरे बोलो मेरे के लिए ओके रिपोर्ट। हाँ, ये इस अंदाज जा बदलो, एक वीडियो ननू देखा करो जनू का अपन वैसे देखनी है। देखो जैसे अखबार ले हो, अखबार में जो पढ़ो हो, देखो 5 रुपया में कितने पेज दे दे अगला, कॉपियां चढ़ाओगे तो सारी कॉपियां चढ़ जाएंगे। लेकिन काम काम की बात पढ़े पाचा दर्द हो, कई बेचारे जो जिस आदमी ने जिस जरूरत हो उसे पढ़ा करे। जो रंडा आदमी होगा वह 3 पेज जाना शुरू वाले ने छोड़ देगा, चौथे पेज पर जाएगा उस पर लिख रहेगा रिश्ते ही रिश्ते, उसका उम्मीद रहे कोई नंबर मिल जाए बात बन जाए तो पढ़नी है बाड़क हो। शुरू वाले 2-3 पेज जाने पड़ेगा, करंट अफेयर के पर्सन मिल जाए, और जिसने फिल्म देखनी होगी वो आखिरी पेज पर चला जाएगा। कहने का मतलब ये अखबार वाले ने तो सब तक बेचना हो, जिसने जिस जरूरत होगी उसाए काम है। तो अपन हरियाणा जी के पढ़नी है जिस पेपर में, जो सारे पेपर में जरूरी वह चीज आपका कराण ला रहे। ठीक है, ओके रिपोर्ट। तो बोलो ओके रिपोर्ट। तो शिव सोना हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना जो है जिला है इसमें बहुत ही इसके उपनाम है गुरुग्राम के, वो मैं बता दूं। पेपर में उपनाम पूछ लिए जाओ साथियों। ठीक है, उपनाम जो है इसके पूछ लिए जाओ। नोट्स बना लियो या वीडियो ने दो बार देख लियो, फिर तो नोट्स आई जरूरत को नहीं। नोट्स और चीज़ें बना लिया हरियाणा जी के नोट्स बनाने की जरूरत को नहीं। 25 नंबर आप दुआ देंगे भगवान के दाता माँ सरस्वती का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार है। गुरुग्राम के उपनाम है, एक तो साइबर सिटी, हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है, साइबर सिटी। तो साइबर सिटी गुरुग्राम, मिलियन शहर भी गुरुग्राम उपनाम लिखवा रहा हूँ ये इसके। तीसरा, हरियाणा की मनोरंजन सिटी भी कौन सी है, गुरुग्राम। साइबर सिटी, मिलियन शहर, मनोरंजन सिटी कौन सी है, गुरुग्राम। प्राचीन नाम पूछे तो गुड़गांव, इसका जो प्राचीन नाम था वो था गुड़गांव। और ऐसी परंपरा रही है कि ऐसा माना गया है कि
इसका जो नाम था वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और जो ज्येष्ठ पांडव पुत्र था, ज्येष्ठ जो पांडव पुत्र था धर्मराज युधिष्ठर ने गुरु दक्षिणा में यो अपने गुरु को यो जो जगह है या दान करी थी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का नाम पर इसका नाम गुड़गांव रखा गया था। ठीक है साथियों, उपनाम थे और इसका प्राचीन नाम था। तो अपने तैयारी रखो, जुनसा पेपर नजदीक हो उसकी अपने तैयारी करते रहो। उसके बाद है खेल स्टेडियम। गुड़गांव में कौन सा खेल स्टेडियम है? तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल। देखो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछा था तो पंचकुला में है, लेकिन ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पूछा था तो कड़ा है गुरुग्राम में है। वर्तमान सांसद, बहुत पेपर में ये पूछे जा सके हैं, वर्तमान लोकसभा सदस्य पूछे या सांसद पूछे तो कौन है? राव इंदरजीत सिंह वर्तमान सांसद है। और गुरुग्राम नगर निगम में गुरुग्राम नगर निगम कब बना था? 2008 में। गुरुग्राम नगर निगम कब बना था? 2008 में। और गुरुग्राम जो मंडल है उसमें कौन से जिले आए हैं? गुरुग्राम मंडल में जिले तो उसमें आम है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। वर्तमान में जो गुरुग्राम है वो पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में तीन है। गुरुग्राम का अतिरिक्त कौन सी है? फरीदाबाद। तीसरी पंचकुला। ओके रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम 2008 में बना। ठीक है, प्रमुख मेले भगत पूर्णमल का मेला, मेला जो है कासन गांव में लगता है। वर्तमान में इस गांव को मारुति कंपनी ने गोद ले रखा है। भगत पूर्णमल का मेला कासन गांव में लगता है, वर्तमान में इस गांव को जो मारुति कंपनी ने गोद ले रखा है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है शीतला माता मेला भी कड़े है गुरुग्राम में। ओके रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद साथियों फसल सबसे ज़्यादा झाड़ी कड़े पाए जा हैं गुरुग्राम में पाए जा हैं। इसकी मिट्टी जो है लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी का जिक्र करो, मिट्टी तो लाल मिट्टी और दोमट। गुरुग्राम में पाए जा है फसल। देखो वो तो सारी हुए हैं, कदन हो तो मास्टर लीग वाई बंदो क्यों बोन देना हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फसल हो हवा हो मेथी सबसे ज़्यादा गुड़गांव में हो। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी कड़े हैं, झाड़ियाँ भी सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। सिंचाई कौन सी नहर के द्वारा की जा है? सिंचाई है गुरुग्राम नहर जो यमुना नदी में का निकल का है दिल्ली में ओखला नामक स्थान से। दिल्ली के ओखला नामक स्थान से बोलो रहे सोगे के दिल्ली के ओखला नामक स्थान से या नहर निकाली गई गुरुग्राम नहर, जिसके द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद में सिंचाई करी जावे है। ओके रिपोर्ट। ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट। और उसके अलावा जो उद्योग हैं, मारुति उद्योग,
बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। मारुति उद्योग है, चिन्नी मिट्टी, बर्तन उद्योग। मारुति उद्योग, चिन्नी मिट्टी, बर्तन उद्योग, मोटरसाइकिल उद्योग। मोटरसाइकिल उद्योग भी खड़े हैं, गुरुग्राम में प्रमुख उद्योग हैं। ओके रिपोर्ट साथियों, कहने का मतलब यो है, एक दो बार इस वीडियो ने देख लियो, नोट्स बनाने की आपने जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार दो बार में वीडियो देखोगे तो जल्दी स्पीड बढ़ा लिया करो, दोबारा देखो जी, उसमें के आपका समय बचेगा और बहुत जल्दी समय में देखो 22 के 22 जिले, आज अपने 20वां जिला ये आ गया है, 2 जिले और हैं वो बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आ जाएंगे। तो आप हमारा इतना प्यार और सहयोग आप लोगों का कि करंट जी के है वह भी बहुत जल्दी करावाएंगे। देखो एक बात बताऊं, कई बार कहेंगे फोन आवे कमेंट आऊंगे सर करंट अफेयर करा दो, मैं बताऊं आपने ये मैं थार्ड जनवरी की करंट अफेयर करा दूं, पेपर ना होगा ना, उस चीज़ का कोई औचित्य को नहीं। हरियाणा में लगभग 3-4 महीना के अंदर की करंट अफेयर आवे है, ये पेपर की कोई संभावना को नहीं। मैं थार्ड देखा जो पेपर होगा और करंट अफेयर था उसने एक बहाज का देख तो लोगे, लेकिन वह चीज़ आवे तो को नहीं। हरियाणा में तो एक कहावत भी है, तुरंत काली पै दिखा करे भाई, तो जी टेम आओगा ना पेपर का तो मैं लगभग 4 महीने की करंट अफेयर आपने करवा दूंगा, टेंशन ना लियो इस चीज की, ठीक है? मेरी ओर से इस प्रकार की कोई टेंशन ना लियो, ठीक है साथियों? तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आओ तो शेयर करियो, कमेंट कर जय हरियाणा जय हरियाणवी जरूर लिख दियो, बहुत जल्द आप अच्छी खबर देवांगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।